हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू डूइंग वेल। आज फिलहाल हम हैं सिडनी में। आप लोगों को पता है मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए आई डोंट नो कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ मस्ती कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और अब फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ ऑस्ट्रेलिया के दिल में, सिडनी में। लोग कहते हैं ये सिटी कभी सोती नहीं है, तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। घूमना, खाना, कहाँ जा सकते हो, पार्टी, क्लबिंग, कसिनोज, एवरीथिंग वी गोना टॉक अबाउट। हम हर वो जगह जाएंगे जहाँ पे अगर आप कभी सिडनी में आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। हम बात करेंगे चार्जेस के, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, हम बात करेंगे खाने की, पीने की, पार्टी करने की और ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस घूमने की। तो बने रहना वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब। बाय नाउ। जिस जगह से मैं निकला हूँ ना, इसका नाम था ओरिएंट, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट प्लेस। आप डेफिनेटली आ सकते हो। मैं सिर्फ घूमने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने गूगल करी हैं ये जगहें और उसके बाद जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मिला है ना उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसके बाद एक दूसरा है, ए से कुछ नाम है, मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँगा, इनके बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं। ओरिएंट इजी था, बोल दिया। अब दूसरी जगह जहाँ हम जा रहे हैं इसका नाम है एग्ली, ठीक मेरे पीछे, और मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। चार्जेस का क्या होगा पता चल जाएगा। अभी जिसमें हम पहले गए थे उसके चार्जेस एकदम फ्री थे, ऐसा लग रहा है लंदन में आ गया मैं। हाँ, अरे बाबा यहाँ तो बहुत भीड़ है। तो ये है वो क्लब जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, एग्ली, और लंबी लाइन लगी हुई है। अभी देख के पता चल ही जाएगा कि कैसा है और क्या चार्जेस हैं। चलो अंदर चलो। अब हम जा रहे हैं यहाँ से न्यू टाउन स्टेशन। न्यू टाउन स्टेशन जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से 5 स्टेशन दूर है, और पार्टी करने के लिए बहुत अच्छी है, पब्स के लिए बहुत अमेजिंग है। वहाँ चलते हैं, थका हुआ हूँ मैं, बट पार्टी करनी इतनी खास ज़रूरी नहीं है, फैक्ट बता रहा हूँ। वीडियो बनानी ज़्यादा ज़रूरी है, 2 दिन रह गए हैं ट्रिप ख़त्म होने में, इसलिए चलो। अब सिटी से निकल के ना हम बिल्कुल एक छोटे से जगह पर आ गए हैं, और मेरे को यहाँ पर वेजिटेरियन फूड का भी नाम से दिख रहा है। मेरे ख्याल से चीज़ें सस्ती होंगी यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ बहुत सस्ता सस्ता दिख रहा है। आपको दिखाता हूँ कैसा सा है ये, लग ही नहीं रहा मैं ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा हूँ। तो मैं न्यू टाउन में जिसमें आया हूँ, जो मैं बता रहा था, उसमें उसमें मेरे कुछ दोस्त बने हैं। दीज आर ऑल आर फ्रॉम अर्जेंटीना, ये सब अर्जेंटीना से है और स्पैनिश बोल रहे हैं, और हम जो खाने आए भाई बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े कर रहे हैं।
मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और आप कोई सोच रहे हो कहीं आने के लिए, न्यू टाउन जरूर आना, क्योंकि सस्ता मिल जाएगा खाना यहाँ पे, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4 स्टेशन 5 स्टेशन के बाद आ जाता है और चीज़ें एक से एक है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग। लेट मी क्विकली इन्जॉय दिस मील एंड उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी करने के लिए यार। Están cumpliendo el récord de... भाई हम इतने फैले हुए हैं ना पूरे दुनिया में कि अभी मुझे अविनाश मिला है भाई, यहाँ पे वेटर का काम कर रहा है, स्टूडेंट वीजा पे आया हुआ है और फुल दबा के मेरे को वेजिटेरियन खाने के लिए स्पाइसी मैंने बोला नहीं चाहिए, बंदे ने मिर्ची मिर्ची कम करा दी, बढ़िया तरीके से बनवा दिया, एक नंबर के बंदे भाई, हम हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं, हम चाहे कैनेडा चले जाओ चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जगह जगह। थैंक यू सो मच अविनाश भाई, बहुत टेस्टी है, अरे लव इट, और बहुत जल्दी दोबारा भी आऊँगा मैं, अभी तो मैं हूँ उस दिन, इतनी प्यारी जगह है, दोबारा एक बार आना बनता है यहाँ पे, खाना बहुत टेस्टी है। थैंक यू, कम मोर पीपल आई, हिंदी में बोल लेगा ना तब भी समझ आएगा वहाँ पे, कैमरा देख के अंग्रेजी नहीं मारते। चलो आई एम एंजॉयिंग और देख लो अब मैं जिस जगह पे आया हूँ ना, इसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट और ये एक सालसा टाइप का आप कह सकते हो क्लब है, ट्यूजडेज में बहुत हैपनिंग होता है, आज मार्केट में कुछ नहीं खुला हुआ था लेकिन ये जगह अलग ही लेवल की हैपनिंग हो रखी है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। भाई यहाँ की पार्टी रुकने का नाम नहीं लेगी, मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, फॉर एनी रीजन अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस।